आप सभी से ये कहना चाहता हूँ गाइस, आप लोगों से जहाँ तक बन पड़े आप लोगों भी गरीबों की मदद कीजिए ताकि ऊपर वाला आपका मदद कर सके। हेलो दोस्तों, बड़े को नमस्कार, छोटों को हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी जस्ट मैं उठा हूँ, मुँह हाथ भी धो लिया, मंजन भी कराया और अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, यानी गोल्डन चाय, जो कि काफ़ी दिनों से मैं लगातार जा रहा हूँ सफर के टाइम पर, ये टाइम पर 3-4 दिन से लगातार ही जा रहा हूँ गोल्डन चाय पीने के लिए। रमज़ान चालू हो गया, अभी रमज़ान का महीना आ गया गाइस, तो आज 2 रमज़ान हो गए गाइस। तो मेरे तरफ से सभी को, सभी प्यारे बहनों और भाइयों को, सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से रमज़ान मुबारक हो। मेरी मेरे दन्नो चले, दन्नो भी बोल रहे चलो चाय पीने चलो, तो चलो चलते हैं आप सभी से डायरेक्ट वही हमारे बबुल भाई की दुकान के पास है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आ गया हूँ मैं चाय पीने के लिए, गोल्डन चाय पीने के लिए। ये रही हमारी गोल्डन चाय। आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने शुरू में आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद दिया है। रमज़ान में होता है कि आप सबको पता भी है, रोज़े रखते हैं जिसमें भूखा प्यासे रहते हैं, और मैं चाय पी रहा हूँ तो उसका एक ही रीज़न है, इसके कारण गाइस आप सबको पता है मेरा गोली दवाई चल रहा है, जिससे कि मेरे को पता भी नहीं, आप सबको पता भी है, तो इसलिए उसका 4 टाइम का गोली दवाई चल रहा है ना गाइस, इसलिए रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ मैं इस साल। अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बस आप लोग दुआ करो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर रखेंगे इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे। चलो बैठ जाते अपने धनों के ऊपर, नवाना होते अपने घर के लिए। गाइस हम पहुंच गए सिंधुआ के मेन रोड पर, यानी हाईवे पर। क्या काका वार्ली की भाई, रुक जाओ मेरे को जान दो। हाँ भाई रुक जाओ, फाइनली चलो भाई चलो घर के लिए। ऑसम बिल्डिंग यार, वेरी नाइस, गुलाबी कलर का मस्त कलर कॉम्बिनेशन, वेरी नाइस। हाँ भाई आप पहले चले जाओ, ओवरटेक कर लो, बस आप पहले पहुंच जाओ घर, मैं बाद में पहुंच जाऊँ आराम से। हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार चल रहा है, देखो गए झंडे वगैरह सब लगे हुए, मुक्तिधाम सिंधुआ का मुक्तिधाम है ये गाइस। मेरे प्यारे भाई लोग, आ गया हूँ मैं चाय पी के। अभी हमारे कालीनों में जो जियो का टावर लग रहा था ना गाइस, मैंने एक दो बार पहले भी बता चुका हूँ, एक ब्लॉग भी है हमारे कालोनी में, हमारे गांव में सिंधुआ में, पूरे मतलब कंप्लीट हो गया हो, तो देखो कैसा देख रहा, बाउंड्री भी लगा हुआ है गाइस, पूरी जाली भी लग गई, पूरी बाउंड्री है। पहले मतलब मैंने बताया था ब्लॉग में, लेकिन इतना सारा काम नहीं हुआ था, अभी पूरा कंप्लीट हो गया गाइस, तो जाली भी लग गई इसकी, बीपी बाहर रखा हुआ है, ये ग्राउंड के बाहर है, और बाकी टावर अंदर ही है जियो का टावर। मेरा एक दोस्त है गाइस, उसका भी जियो का सिम है, तो अभी ये 5G सिम लगाया ना, तो उसका काफ़ी फास्ट चल रहा है मैंने देखा था, तो मेरे को भी लेना पड़ेगा, लेकिन अभी इतना कंफर्म नहीं हुआ है, एक का चल रहा फास्ट और दूसरे का फास्ट नहीं चल रहा, और तीसरे का फास्ट चल रहा, चौथे का नहीं चल रहा, ऐसा सीन है कुछ, तो सबका चलेगा ना तो मैं भी जियो का सिम ले लूँगा। नहीं आप पी लो, ठंडा है एकदम मज़ेदार, गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा ये। अरे प्यारे भाई लोग, ये हमारे राजू भाई है जो कि हमारे कॉलोनी में रहते, तो ये हमारे दोस्त भी अच्छे खासे, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ गाइस, आप लोगों से जहाँ तक बन पड़े आप लोगों भी गरीबों की मदद कीजिए ताकि ऊपर वाला आपका मदद कर सके, मेरा तो बस ये कहना है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आज के सफर के नाश्ते में रोटी एंड मसूर की दाल, नमक भी रख लेते हैं खाने से पहले, नमक थोड़ा छक लेते हैं यार, नाश्ता भी कर लिया और अभी दवाई खाने का टाइम भी हो गया है, इसको पानी के साथ मिला के पीना है, और ये नीरी गोलियाँ 3 टाइम लेना है, यानी सवेरे 2, दोपहर को 2 और रात को 2, यानी 6 गोलियाँ, और ये एक ही टाइम है गाइस, यानी कोई सा भी टाइम ले सकते हो, सवेरे दोपहर शाम, तो मैं इसको सवेरे ले रहा हूँ। मेरे सादे भाई के घर पे इसलिए आया था मैं, टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, नहीं तो दोस्त भी किस काम का है, दोस्त वही है जो एक दूसरे को टाइम दे गाइस, साथ में बैठे और अच्छे अच्छे बातें करें, ताकि फिर आगे चल के 3-4 साल बाद ऐसे टाइमों को हम याद करेंगे, यार हम पहले कैसे थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, और भी लाइफ में कैसे चेंजेस हो गए, अभी की बात नहीं कर रहा बाद में यार, यानी 4-5 साल हो जाएगा ना जब ये टाइम को हम याद करेंगे। 20 minutes later. तो लस्सी पीने के लिए गए थे हम गाइस, तो वहाँ पर पता चला जो दुकानदार है ना हमारा राजा भाई, वो रोजे से, तो हमने सोचा आप हम लस्सी पियेंगे तो उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो रोजेदार है, अच्छा नहीं रहता है, दिन भर से वो
हो गए पैसे, तो हमारा दिल नहीं माना, तो इसलिए मैं अब मेरा साथी दोस्त है उन्होंने मेरे को बोला चला अब इस बार पैक करके ले जाते और कहीं बैठ के वो लस्सी को पीएंगे गाइस का मजा लेते हुए वो साथी भाई जैसे होगा तो हाँ यार बात भी यार। तो कोई अगर रोजेदार होगा हमारे ऑडियंस में गाइस हमको माफ कर देना। आप और क्रिकेट खेलते गाइस शाम के टाइम गिरा जाते ज्यादा से ज्यादा टाइम, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। पेड़ भी वहाँ पर देखा जी, दुकानें भी गाइस ठंडाई के गोले वगैरह और गन्ना का रस के। तो चलो फिर मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप सभी से बाद में यानी नमाज पढ़ने के बाद। A few moments later. वो वाली पेड़ हमेशा की तरह वहाँ पर बैठे हुए थे, यानी दूसरी जगह बैठते थे हम पुल के ऊपर, लेकिन क्या अभी कुछ दिनों से ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना, तो इसीलिए कितना भी लेट आ रहे हैं ना गाइस, गर्मी मतलब वैसे ही है जैसा दोपहर में रहता ना। हमारे साथ में आज एक नया बंदा है, एक नया बच्चा है, करार भाई, जो एक छोटा बच्चा है। तो ये रहा हमारे करार भाई। करार भाई आपका सिनेमैटिक सही में काफी ओपी आया, काफी मजेदार आया, काफी हटके आया, मजेदार कह रहा हूँ। मेरा बात करने का तरीका ऐसा है, क्या कर सकते हैं बदलना हमारे प्यारे ऑडियंस को। अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको? नहीं ना, ये देखा नहीं बोला तो आपने नहीं बोला। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अभी रात के हो रहे 9:03 और आधा से ज्यादा एडिटिंग कम्प्लीट भी हो गया है, ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप सबको आज का दिन का ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों को तो पता ही है, हर ब्लॉग के एंड में मैं यही कहता हूँ, आई होप कि आप सब करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कर देना मेरे प्यारे भाई लोग। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।